हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल मणिका कक्षा 10 पाठ 6 राष्ट्रम संरक्षमेव हि। इस पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास को करने जा रहे हैं। इस प्रकार के क्वालिटी कंटेंट बनाना, एकदम फ्री में यूट्यूब में रखना, ये अपने आप में बहुत मेहनत का काम है। इसलिए एकमात्र मेरा निवेदन है कि आप लोग हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आपके अधिक से अधिक लाइक से YouTube हमें और लोगों तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए आप लोगों से हमारा एकमात्र निवेदन है। चलिए प्रकृत अभ्यास को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दें। द्रौपद्याः पुत्राः केन हताः। द्रौपदी के सारे पुत्र किसके द्वारा मारे गए। द्रोणिना अर्थात अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। वारणावते पांडवान कह अरक्षत। वारणावत में पांडवों को किसने रक्षा की। भीमसेनः भीमसेन ने रक्षा की थी। नकुलः कस्य सारथिः अभवत। नकुल किसका सारथी हुआ था। भीमसेनस्य यानी भीमसेन का। आपदगतेन अपि ब्रह्मास्त्रम केषु न प्रयोक्तव्यम्। आपत की अवस्था में भी ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्येषु मनुष्य के ऊपर। अश्वत्थामा श्री कृष्णम किम अयाचत। अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से क्या मांगा। चक्रम भगवान श्री कृष्ण के चक्र को मांगा था। आकाशात काह पतंति स्म आकाश से क्या गिर रहे थे। उल्काह उल्का गिर रहे थे। कहा न भासते स्म कौन भाषित नहीं हो रहा था प्रकाशित नहीं हो रहा था। सूर्यः सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा था। द्वितीय अभ्यास है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिख्यताम। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। द्रोणाचार्यः प्रीतः भूत्वा कम ब्रह्मास्त्रम अशिक्षयत। बहुत प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने किसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्यः प्रीतः भूत्वा अर्जुनम अर्जुन को ब्रह्मास्त्रम अशिक्षयत ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा केषां विनाशाय ब्रह्मास्त्रम मोचयति। अश्वत्थामा किसके सर्वनाश के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ रहा है। अश्वत्थामा पांडवानां पांडवों के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। भीमसेनः नकुलेन सह कम अनुगच्छति। भीमसेन नकुल के साथ किसके पीछे पीछे जा रहा है। भीमसेनः नकुलेन सह द्रोणीम अनुगच्छति। भीमसेन नकुल के साथ मिलकर द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा का पीछा कर रहा है। द्रोणपुत्र कृष्णात किम वांछति स्म। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहता था। चक्र चाहता था। तो आप इस प्रकार से वाक्य बनाकर लिखें। अस्त्रम संहरतम इति कौ वदत। अस्त्र को रोको लौटाओ ऐसा कौन बोलते हैं। दो तो वो व्यास नारद हो व्यास और नारद हैं वो बोलते हैं। ब्रह्मास्त्रस्य निषेधेन के संरक्षाः सन्ति। ब्रह्मास्त्र के निषेध करने से किस किस की रक्षा हो सकती है। ब्रह्मास्त्र के निषेध से पांडव अश्वत्थामा स्वयं और राष्ट्र ये तीनों के तीनों संरक्षित हो सकते हैं यानी रक्षणीय होते हैं। अब हम तृतीय अभ्यास करते हैं। इसमें प्रश्न निर्माण करना है। यहां पर उत्तर लिखा हुआ है। पाप कर्मणा द्रोणिना मे पुत्राः हताः। पापी द्रोणी के द्वारा अर्थात अश्वत्थामा के द्वारा मेरे पुत्र मारे गए। तो मे में यहां पर अंडरलाइन किया गया है। तो इन अंडरलाइन किए हुए मे अस्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो मे के स्थान पर कस्य कराएंगे किसके ऐसा लगाकर प्रश्न बनाएंगे। अस्मिन् संसारे कश्चिदपि त्वया सदृशः नास्ति। अस्मिन् संसारे में यहां पर अंडरलाइन किया गया है। तो अस्मिन् संसारे सप्तमी विभक्ति का शब्द है। कुत्र कहां पर ऐसा बनाकर हम बनाएंगे प्रश्न। कोई भी तुम्हारे सदृश यानी समान नहीं है ऐसा प्रश्न बन जाएगा। न जानाति भवान द्रोणे है। द्रोणे में यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है। तो द्रोणी का यहां पर षष्ठी विभक्ति है। कस्य लगाएंगे किम शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में ऐसा प्रश्न बनेगा। आचार्य यहां पर आचार्य में अंडरलाइन किया गया है। तो हम क लगाएंगे क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। किसने पुत्र को सावधान किया तो ऐसा प्रश्न बनेगा। प्रचंड ज्वाला अग्नि परितः प्रसरति। तो यहां पर प्रचंड ज्वाला में अंडरलाइन किया हुआ है। तो कीदृशः ऐसा लिखेंगे कैसी अग्नि चारों ओर बढ़ रही है। गगनात सहस्रशः उल्काः। उल्का में अंडरलाइन किया हुआ है। उल्का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। काः कौन ऐसा बनाएंगे। अब चतुर्थ अभ्यास देखें। अधोलिखित प्रश्नानि यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों को जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर दें।
कौ में लिखा गया है युधिष्ठिर भीम द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है? प्रविशन्ति यहाँ पर क्रियापद है। वीरजननी तुम शोचितुम न अर्हसि, अत्र किम कर्तृपदम अस्ति। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में कर्तृपद कौन है? तो वीरजननी यहाँ पर कर्तृपद है। आचार्येण कीदृशः अनर्थः कृतः, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम, कौन सा विशेष्य पद प्रयुक्त हुआ है? अनर्थः यहाँ पर विशेष्य है और कीदृशः विशेषण है। गगनात् सहस्रशः उल्काः भूमौ पतन्ति, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में धरायाम पृथ्वी में, इति अर्थे, इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो भूमौ यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेषणम किम, विशेषण क्या है? तो यहाँ पर जगत का विशेषण है ध्वस्तम। अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम, अस्त्र के शिक्षा के दान से पहले पुत्रम सावधानम अकरोत् आचार्य, आचार्य ने पुत्र को सावधान किया। अत्र पश्चात इति पदस्य, यहाँ पर पश्चात ऐसे शब्द का विलोम पद क्या है? पूर्वम यहाँ पर विलोम पद है। अब पंचम अभ्यास है, विशेषणानां विशेष्यैः सह मेलनं क्रियतां, विशेषणों का विशेष्य के साथ मेलन करें। सभ्येना पाणिन का विशेषण है, पापकर्मणा द्रोणिना देवदानव पूजितं चक्रम सकला मही सहस्रशः उल्का विषमे समये। तो ये नीले रंग के विशेषण है और हरे रंग के विशेष्य हैं। अब छठे में है, अधोलिखितेषु पदेषु यत् पदम अर्थदृष्ट्या भिन्नम तम रेखांकितम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों में से जो अर्थ के दृष्टि से अलग है उसको रेखांकित करके अलग करें, यही काम है इस अभ्यास में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है उसको आप देखें, मैं कैसे बता रहा हूँ। सहस्रांशु हिमांशु दिनकर भानु, इनमें से सभी नाम भगवान सूर्य के हैं किंतु हिमांशु चंद्रमा का नाम है। वृक्षाः द्रुमाः महीधराः महीरुहाः, इनमें से सबके सब वृक्ष के ही पर्यायवाची शब्द हैं किंतु पर्वत को महीधरा कहते हैं। पवनः अनिलः अनलः वायुः, इनमें से सभी तीन के तीन वायु के पर्यायवाची हैं किंतु अनलः अग्नि को कहते हैं। शैलाः भूधराः खेचराः पर्वताः, इनमें से खेचराः ये अलग है, बाकी पर्वत के ही पर्यायवाची हैं। खेचरा यानी आकाश में चलने वाले, ऐसा अर्थ होता है। नरः मनुष्यः पन्नगः मानवः, ये सभी मनुष्य के ही पर्यायवाची हैं किंतु पन्नगः सर्प को कहते हैं। अब सप्तम अभ्यास देखिए, श्लोकम आश्रित्य समुचित क्रमेण अन्वयम पूरयत, श्लोक को सहारा बनाकर उचित क्रम से अन्वय को पूर्ण करना है। तो जैसे यहाँ पर तात परम आपद गतेन अपि, अपि आएगा, हे पुत्र परम विपत्ति के अवस्था में भी तुम्हें रण में इदम अस्त्रम विशेषत, रण में यह अस्त्र विशेष करके मनुष्येषु मनुष्यों में न एव प्रयोक्तव्यम, प्रयोग नहीं करना चाहिए। ख में देखिए नाना शास्त्रविद, यहाँ पर शास्त्रविद आएगा, अनेक प्रकार के शास्त्रों के जानकार, ये अपि पूर्वे महारथाः, जो भी पूर्व में महारथी योद्धा हुए हैं, अतीताः बीत गए मर गए, तैहि एतद उनके द्वारा भी यह अस्त्र मनुष्येषु मनुष्यों में न कथंचन प्रयुक्तम, कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। पांडवाः त्वं च राष्ट्रं च सदा संरक्षम एव हि, पांडव हो गए तुम हो गए राष्ट्र हो गया, ये सब संरक्षणीय हैं। हे महाभुज, हे महान विशाल भुजाओं वाले, तस्मात् त्वं, इसलिए तुम एतद् दिव्यम अस्त्रम, इस दिव्य अस्त्र को संहर रोक लो, ऐसा कहा गया। अब आठवां अभ्यास है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम पुनः लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार, कथा के क्रम के अनुसार हमें पुनः सीक्वेंस में रखना है। देखिए यहाँ पर दो वाक्य ऐसे हैं, शायद प्रिंट मिस्टेक होने के कारण दो बार लिखा गया है, जैसे इदम दृष्ट्वा अश्वत्थामा और इदम दृष्ट्वा अश्वत्थामा, क और ङ में, इसको हमें एक ही जगह में लिखना होगा और इस प्रकार से बनाकर लिखना होगा। देखिए मैंने इनका हिंदी हो चुका है इसलिए मैं बार बार नहीं करूंगा, चलिए आप लोग इसको करें, नवम अभ्यास को करते। रेखांकित पदेषु प्रसंगानुसारम उचितम अर्थ चयनम कुरुत, नीचे रेखांकित यानी अंडरलाइन शब्द का प्रसंग के अनुसार, यानी इसके अनेक अर्थ हैं, इस प्रसंग में क्या अर्थ है इसको देखना है। जैसे यहाँ पर घोरम में अंडरलाइन किया गया है तो इसका भयंकर यहाँ पर अर्थ है। जैसे समीचीनम, इसमें अंडरलाइन किया गया, अनेकार्थी शब्द है ये भी,
तो इसका उचितम यहां पर प्रसंग के अनुसार अर्थ सही है। अब पवन स्तब्ध जाता, पवन स्तब्ध हो गया, यहां पर स्थगित, ये इस प्रसंग के अनुसार सबसे उचित अर्थ है। सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति, यहां पर सकलम में अंडरलाइन किया गया है, समस्तम इसका अर्थ है। द्वादश समाह, यहां समाह वर्ष, वर्ष को समा भी कहते हैं। पर्जन्य इसका मेघ, यहां पर अर्थ है। YouTube ने एक बहुत अच्छा माध्यम दे रखा है हम लोगों को आपस में मिलने के लिए। यद्यपि आप कहां से पढ़ रहे हैं पता नहीं चलता, मैं कहां से आपको वीडियो बना के दे रहा हूं ये पता नहीं चलता, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे, ये हमारा वादा है। तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण कमेंट के लिए हम सदा सर्वदा उत्तर देने का प्रयास करते हैं। आप चैनल को जाकर देखेंगे तो ये आपको अपने आप भी दिख जाएगा, इसलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले सप्तम पाठ के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवाद।